सो जोनाथन ने क्रॉन्टन अमर भाई गॉड लाइक पेज को अनफॉलो कर दिया है, तो क्या सीन चल रहा है, क्या लेफ्ट करने वाले हैं और कुछ स्टोरीज है क्लच गॉड का सेंसी का बताता हूँ। सो कल जब ये सीन हुआ था, मतलब आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया होगा कल ये स्टार्ट हुआ था, मतलब जोनाथन ने अनफॉलो किया था। सो मुझे कुछ बंदे डीएम भी किए थे, बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए। सो मैंने चेक किया, सो जोनाथन के एंड से अनफॉलो हुआ है लेकिन क्रॉन्टन अभी भी फॉलो कर रहे हैं। और फिर कुछ घंटों पहले नियो का एक स्टोरी आया था, ये देख सकते हो, यू नेवर नो, और फिर ये डिलीट हो गया। सो अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सीन चल रहा है इसी पे ये स्टोरी होगा मेरे हिसाब से, और एग्जैक्ट क्या होगा वो तो भाई सिर्फ गॉडलाइक वालों को और जोनाथन को ही पता होगा, बट चांसेस कम है कि वो गॉडलाइक लेफ्ट करेंगे। ऑब्वियसली गॉडलाइक के मेन प्लेयर है, मेन क्रिएटर भी है, इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और बहुत टाइम से वो लोग साथ में है, और अभी यहाँ पे लेफ्ट करना थोड़ा सा कम चांस लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली BGIS चालू हो चुका है, कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। तो अगर अभी लेफ्ट करते हैं तो फिर सिनर्जी बनाना, न्यू टीम के साथ खेलना, वो चांसेस कम लग रहा है। हो सकता है कुछ यहाँ पे सरप्राइज हो, कुछ यहाँ पे सूट या कोई अनाउंसमेंट आने वाला हो, देखते हैं। एंड फिर यहाँ पे सेंसी ने ये स्टोरी लगाया था, फाइनली मेड माई ड्रीम लाइन अप, मी फियर्स एक्वानॉक्स @ ? अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्विस्ट लगा दिए, इनका ड्रीम लाइनअप ये बना चुके ऐसा वो बताया है, और ब्लेज यहाँ पे हटा दिए हैं, बट मुझे लग रहा कि ये सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि जोनाथन ज्वाइन करेंगे, और इनका ड्रीम लाइनअप में शायद जोनाथन थे बट मुझे चांसेस कम लग रहा है। और फिर एक और स्टोरी लगाया था, ये स्टोरी को डिलीट करके यहाँ पे फाइनली मेड बाई ड्रीम लाइनअप गेस्ट द प्लेयर्स। सो क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये फार्मिंग कर रहे हैं या एग्जैक्ट में कुछ हुआ है चेंजेस रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स में, कमेंट में बता सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्लच गॉड के बारे में, तो वो एक स्टोरी शेयर किए जिसमें हेक्टर ने जो ट्वीट किया था मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, वही सब चीज़ की यहाँ पे वॉच पार्टी करने नहीं मिलेगा, फिर जो टूर्नामेंट है मेरा टूर्नामेंट मेरा मर्जी, और सब कुछ IGC के लिए कर रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया था। सो उसको रीशेयर करके लिखते हैं जो क्लच गॉड, हम तो IGC के लिए कर रहे हैं सब कुछ, जो यह बोलते हैं IGC पॉकेट में पैसा भर रहे हैं। नीचे लिखते हैं, बातों पे मत आओ लोगों के, IGC इज डार्क, ऑडियंस ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो लोगों को, दे सो यू व्हाट दे वांट टू सो यू, ये सब के लिए है, ऑल क्रिएटर्स प्लेयर्स एक्सेट्रा। सो यस भाई, यहाँ पे अभी जो सीन चल रहा है ये इंटरनल हम लोग को उतना आइडिया है नहीं, बट और आपको मैंने बताया था कि जो यहाँ पे एक ऑर्ग्स ने डिसाइड किया था कि वो लोग कुछ कंडीशंस रखे थे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को, सो वो शायद फुलफिल नहीं हुआ है। और कल या परसों सिड भाई ने जो स्ट्रीम पे बताया था कि वो लोग का भी कुछ कंडीशंस आ गया है वॉच पार्टी के लिए, कि रीशेयर लगाना पड़ेगा, लिंक लगाना पड़ेगा, स्टोरी में प्रमोट करना होगा। सो अब देखते हैं भाई क्या चलेगा, मतलब दोनों साइड से यहाँ पे अगर बातचीत नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा, तो भाई ये तो बढ़ता रहने वाला है। खैर आप लोगों को इस चीज़ पे क्या कहना है कमेंट में बताना। और जो जोनाथन का सीन है, सो देखो भाई यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि वो गॉडलाइक लेफ्ट करेंगे, बट वेट करते हैं अनाउंसमेंट का। आप लोगों को जो लगता है कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।